इंदौर में पुलिस अधिकारियों के कक्ष में के बाहर खुदकुशी करने का प्रयास करने का चलन इन दिनों लगातार बढ़ गया है। पिछले दिनों एक युवक द्वारा जहरीली वस्तु का सेवन कर खुदकुशी का प्रयास किया गया, तो इस बार एक युवक द्वारा खुद पर कैरोसिन डालकर आत्मदाह का प्रयास किया गया। हालांकि इन सब तरीकों को DIG ने गलत बताया है और इस तरह का कृत्य करने वालों पर कार्यवाही करने की बात कही है। इंदौर DIG कार्यालय पर सोमवार दोपहर संजय पांडे नामक एक युवक ने खुद पर कैरोसिन डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया है। युवक का आरोप है कि उसने ओम प्रकाश सलूजा से 1,60,000 ब्याज पर लिए थे, जिसके एवज में वह 10,60,000 चुका है। इसके बावजूद भी अभी तक उसका कर्ज नहीं चुका है। उसने अन्नपूर्णा और द्वारकापुरी थाने पर भी इसकी शिकायत करने का प्रयास किया, लेकिन वहां उसकी सुनवाई नहीं हुई, लिहाजा उसने DIG के ऑफिस के बाहर खुद पर कैरोसिन डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। क्या शिकायत क्या है, क्या परेशान कर रहा हूँ? ब्याज में पैसा मेरा सब पेमेंट ही मांग रहा है। लॉकडाउन में कहाँ से लाऊं पैसे? 40,000 रुपये बोले लॉकडाउन के, 10,000 रुपये महीना करके। संजय सलूजा, ओम प्रकाश सलूजा, कहाँ का, कौन से थाने का मामला है? अन्य जगह तुम कह रहे हो? सब जगह शिकायत करी मैंने, साहब कोई सुनवाई नहीं करता मेरी। कोई तुम रहते कहाँ है बताओ? अच्छा, तुम कह रहे हो? सुधामा नगर रहता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? थाने पे शिकायत करी? संजय पांडे करी साहब। सब क्या कहना है, अधिकारी को क्या कहना? सब लिखित में शिकायत करी साहब, तो वो बड़ा आदमी है, सब पैसे ले दे के सब निपटारा कर लेता है। कितने रुपए दे चुका है तुम अभी तक? 10,60,000 रुपए दे चुका हूँ साहब। लिए कितने थे? सब रिकॉर्डिंग है उसके। लिए कितने थे? 1,60,000 रुपए। 1,60,000 की 10,60,000 दे दिए? दे चुका हूँ साहब। मेरे से कहता बोले पेनल्टी मैं भी बैंक में भरता हूँ, बोले इसलिए पेनल्टी तो लगेगी। क्या काम करते हो तुम? अरे इधर देखो ऊपर यार, क्या नाम, क्या हो, क्या काम करते हो? स्टाम्प बिल्डर का रजिस्टर ऑफिस में काम करता हूँ साहब। बहुत परेशान हो गया हूँ, लॉकडाउन में पैसे नहीं। ओम प्रकाश सलूजा, कोई भी बात नहीं है। मैं विनय द्विवेदी के यहाँ रजिस्ट्री कराता था, तो ये वहाँ काम गोलू पांडे काम करता था, तो मैंने फिर गोलू पांडे ने काम वहाँ छोड़ दिया, तो बोला सलूजा जी मैं आपकी रजिस्ट्री कम में करूँगा, मेरा प्रॉपर्टी का काम है। तो एक दिन इसको 6.5 लाख रुपये हमने दिए कि जा भाई, एक रजिस्ट्री थी हमारी ग्रामीण क्षेत्र की, तो ये पैसे लेके बोला बाबू जी कल रजिस्ट्री करा देंगे। कल रजिस्ट्री कराने गए तो 15 दिन तो हमको टहराता रहा, बाबू जी ये हो गया, वो हो गया, वो प्लान नहीं आया। उसके बाद इसने बोला कि मेरे पास पैसे कहीं हमने खर्च कर दिए। हम कहे काम तो तुमने ऐसा गलत किया है, क्यों किया ऐसा, तुमने हमारे साथ गबन किया, धोखाधड़ी करी। तो बोले कि सलूजा जी आप कैसे भी हमारी इज्जत बचा लीजिए। फिर इसने हमको बोला कि मैं थोड़े थोड़े पैसे करके आपको दे दूँगा। 10,000 रुपये करके इसने हमको 4 लाख रुपये दिए। 2,60,000 आज भी बाकी हैं, और लॉकडाउन में मैंने इसको फ़ोन भी नहीं लगाया, 10,000 महीने करके देता था ये। लॉकडाउन के बाद इसके तेवर ही बदल गए, बोलता कि मैं तो आप हमसे पैसे मत मांगना, एक बार हमने फ़ोन किया तो पैसे नहीं मांगना, अच्छा नहीं होगा, किसी को ले आया मेरे घर पर भी। तो हम बोले क्यों नहीं मांगे भाई, हमने कोई व्यापार किया है, तुमको हमने रजिस्ट्री के लिए पैसे दिए, तो तुम इतने हमको 4 लाख रुपए आज तक 3.90 ही लौटाए, बल्कि लौटा दिए हैं, तो 2,60,70 बाकी हैं, हमको दे दो, हम तुमसे कुछ ले तो रहे नहीं हैं। तो बोले नहीं आप हमारे साथ, हमने फिर इसकी रिपोर्ट भंवरकुआं थाने में भी लिखाई कि भाई ऐसा ऐसा इस आदमी ने काम किया मेरे साथ। उसके बाद फिर मैंने इसको फ़ोन लगाया, भैया इसको पैसे दे दो, तो थोड़े थोड़े करके दे दो जैसे दे रहा था। बोले मैं पैसे नहीं दूंगा, अगर आप करोगे तो अच्छा नहीं होगा, मैं आप गासरेट डाल लूँगा, आत्महत्या कर लूँगा और आपको पूरे परिवार को फंसवा दूँगा। उनका भाई यार ये तो दादागिरी वाली बात हो गई, पैसे आदमी रजिस्ट्री के लिए देते ही है लोगों को। विनय द्विवेदी जी के यहाँ भी हम बहुत पैसे दे आते थे जाके, उन्होंने आज तक ऐसा काम नहीं किया, और इस आदमी ने इस तरह की हरकत की है। तो झूठा आरोप है इसका है, ये जो आरोप ये जो हम पे आरोप उल्टा लगा रहा है, तो हम लोग इस तरह का काम करते हैं, झूठा आरोप हम पे लगा के हमको फंसाना चाहता है। आपका नाम बता दीजिए। OP सलूजा। इस मामले में थाना प्रभारी अन्नपूर्णा से जानकारी में पाया गया कि एक व्यक्ति ने 3 तारीख को इस बारे में आवेदन दिया। उस आवेदन पत्र पर जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, मोबाइल नंबर गलत था,
फिर भी आवेदक के नाम और पता से पुलिस वहां तक पहुंची। उनको दो बार बुलाया जा चुका है थाने से, थाने पर उन्होंने जाना उचित नहीं समझा और इस तरह से बजाय आवेदन की इस तरह के काम की बिल्कुल ही उचित नहीं माना जा सकता। अगर किसी व्यक्ति को शिकायत है वो आवेदन दे, उसमें कार्रवाई होगी। यहाँ भी किसी अधिकारी से मिलकर के बिना किसी अधिकारी से मिलना इस तरह की प्रक्रिया को बिल्कुल ही अनुचित माना जाएगा। अगर कोई आवेदन है तो अधिकारी से मिले या वहां पे थाने पर जाकर के मिले, अगर उनकी बात न सुनी गई हो तब उस बात समझ में आती है, अदरवाइज इस तरह के प्रूफ करने को बिल्कुल ही उसको उचित नहीं माना जाए। सर पिछली दफा भी एक व्यक्ति आया था बाहर, उसने जहर खा लिया था, लगातार बढ़ती जा रही है इस तरह के मामले की, आपके बाहर केबिन के बाहर आकर लोग आत्महत्या का प्रयास कर रहे हैं। उसमें प्रेमी प्रेमिका का विवाद था, पति पत्नी के बीच के विवाद में घर के झगड़े में कोई इस तरह का करता है, इस बात को बिल्कुल गलत की जाएगा और इसमें संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिहात्मक कार्रवाइयां की जाएंगी उसमें, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति की शिकायत है वो अपने मंच पे कहे, अधिकारियों से मिले, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। जो सही मामले हैं, जो जेन्युइन मामले हैं, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस तरह के अनावश्यक प्रोपेगंडे से लोगों का ध्यान खींचने के लिए, सिर्फ लोगों का ध्यान आकर्षण के लिए इस तरह के प्रस्ताव पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिहात्मक कार्रवाई की जाएगी।